बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आज़म अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरल डायनोस। तो कोरल डायनोस में आज हम बनाएंगे एक और 3D लोगो कटिंग करके। तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, उससे पहले एक बार दो श्री बहुत पढ़ लेना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वा आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वा आले मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हो जाए, तो फिर आप दुरूद शरीफ को कभी नहीं छोड़िए। दुरूद शरीफ, नमाज, कुरान मजीद, अगर ये तीन चीज़ें आपकी ज़िंदगी में है ना तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं इसे अपने प्यारे से मैसेज के साथ। यहाँ से हम करेंगे टाइप डी एंड सी, ठीक हो गई। इसको हम कुछ कटिंग करेंगे और इसका फिर बनाएंगे लोगो। इसका पहले फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। कौन सा फॉन्ट रखे, ये वाला भी नीचे रख सकते हैं। थोड़ा नीचे तक जाते हैं, ये फोन कैसा रहे हो? ये फोन भी अच्छा है मेरे हिसाब से। चलो ये वाला फोन ही रख लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ से हमने इसको बोल्ड भी कर लिया और यहाँ से हम इसको इस तरह से बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक हो गई। ये आ गया, तो इनको हमने अभी करना है अलग अलग, ये दो सेपरेट करना है। उसके लिए ऑब्जेक्ट में जाएंगे और तो यहाँ से ब्रेक करेंगे इसको। ये देखें, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के है, वो भी दबाएंगे तो ब्रेक हो जाएगा। ये भी देखें आप, ये ब्रेक हो चुका है। तो कीबोर्ड के राइट वाले बटन से इसके ऊपर करेंगे इसको इस तरह से। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर लेकर आएंगे, इसको कलर चेंज कर लेंगे ताकि हमें कटिंग करने का टाइम मुश्किल ना हो। इसको लेकर आएंगे, लेकर आएंगे तकरीबन यहाँ तक लेकर आए। थोड़ा सा डीप छोटा कर लेंगे अंदर की तरफ, और ये वाला सी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरह से, ठीक हो गई। और इस तरह से ठीक है। हमने क्या करना है, हमने नीचे लो डी यहाँ से कटिंग करना है, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ से। तो वो कैसे कर रहे हैं, इस वाले को कलेक्ट करेंगे और इसको हम देंगे यहाँ से डबल क्लिक करके आउटलाइन वाला बॉक्स यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको लेंथ दी 8 पॉइंट और रुक दिया, तो ये इस तरह से ऑफलाइन आएगी क्योंकि ज़्यादा है। डबल हम दोबारा क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से देंगे 4, ओके करेंगे और यहाँ से हम देंगे ऑफलाइन माउस का राइट बटन। तो ये हमारी ऑफलाइन है जो इसके अंदर है, जो कि लग रहा है जैसे ज़्यादा है, फिर भी हम काम कर लेते हैं। हम इसको कर लेते हैं 2 इंटर, तो ये कुछ इतनी हो जाएगी, ठीक हो गई। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और क्रोमाटा ऑफलाइन ऑब्जेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट का बन गया, ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमने क्या करना, स्मार्ट फिल टूल लेना सिंपली यहाँ से आपने कलर देना, एक यहाँ से कलर देना, ठीक हो गई। बस इसका काम था इतना। अब हम ये वाली लाइन पकड़ेंगे ऊपर ली, डिलीट कर देंगे, तो ये हमारे पास खाली सी बच गई। और यहाँ से आप नीचे का ये रेड पकड़ें और यहाँ से इसको बाहर करें इस तरह से, और इस तरह से इसको कर दें डिलीट। तो ये आप देख सकते हैं जो हमको कटिंग एरिया चाहिए था, हमने इसको
कटिंग कर दी है, इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं जैसे हमने अभी की है। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आएंगे इंटरेक्टिव फील्ड में, यहाँ से हम करेंगे इंटरेक्टिव फील्ड सेलेक्ट। इसमें इस तरह से हम कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक हो गया जी, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप आके रेगुलर फाउंटेन फील उसका भी इस्तेमाल करके इसको मजीद खूबसूरती ला सकते हैं इस तरीके से। ये चीज ठीक। तो हम इसको इस तरह से कुछ कलर देंगे, या ये वाला हम थोड़ा ग्रे कलर दे देते हैं इस तरीके से। ठीक जी। और इसको रिवर्स आगे पीछे अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे इसके बाद हम, और इसको भी हम इस तरह से सेम कलर में आप इसको भी दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक हो गया जी, इस तरह से। और यहाँ से हम लेयर सेलेक्ट करेंगे सेम, इस तरीके से कलर को पिक करता है। इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे इस तरीके से। इसी तरह हम इसको सेलेक्ट करेंगे कलर ब्लैक, और ये वाला हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। मर्जी ग्रे कलर, ये वाला कलर, या ये वाला जो से भी कलर आप लाना चाहें इसके अंदर आप कलर भर सकते हैं। इस तरह का से इसी तरह इसमें भी है, इसी तरह इसमें भी है। मतलब कर देते हैं इस
ये हमारा लोगो है ना, तो हमने इसको क्लियर रेडी, ये अंदर का पार्ट हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम थोड़ा ना बड़ा करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा इधर से भी बड़ा करेंगे, ठीक हो गया। ये तरीका कार कंट्रोल ए एंड कंट्रोल जी, तो ये हमने इसको ग्रुप कर दिया इस तरह से, आप लोग भी कर सकते हैं क्रिएट। एक और लोगो है वो सिंपल सा है, वो भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से टाइप करेंगे हम एम एम ए, ठीक हो गई। ये करने के बाद इसका फोर यहाँ से हम चेंज कर लेंगे, ए वाला रख लें, दूसरा वे इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इस तरह से थोड़ा सैड बना देंगे, इसको थोड़ा वर्किंग करेंगे और इसको हम कलर दे देते हैं कुछ इस तरह से सिल्वर सा, ठीक है इस तरह से। तो इसको हम कंट्रोल सी और वी भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से आप आए, यहाँ से आके आप ये एक्स्ट्रा टूल भी ले सकते हैं, ये वाला टूल थोड़ा सा भी इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर और ये वाली रेंज कम कर दिया यहाँ पर रखेंगे, और इसके जरिए आप थोड़ी इसकी डायरेक्शन भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं, इस तरह से आप चाहते हैं। इसको उसी तरह डायरेक्शन कर सकते हैं, ठीक हो गई। तो ये हमारा लेटर है, यहाँ पर हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से अगर आप देंगे ना आउटलाइन तो आपको पता चल जाएगा कि लेटर किधर है, तो ये है इस तरीके से। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप इसमें कलरिंग दे सकते हैं, और हम इसमें कलर मिल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। ग्रीन देना चाहिए कुछ ही किस्म में कलर देना हो तो आप इसको कलर दे सकते हो, और ये इसका दूसरा कलर जो कि हम यही वाला रखा, और यहाँ से ये कलर, ये व्यू ऑब्जेक्ट कलर, और ये ऊपर का कलर है, ठीक है। राउंड टू अगर इसको सेलेक्ट कर दें तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से चेंज होगा, अगर इसको करेंगे तो ये नहीं चेंज होता, ठीक है। और ये बेवल है कुछ, आप उसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, और इसकी हम ज़्यादा काम करेंगे इस तरह, ठीक हो भाई। एक मिनट, और ये तरीकेकार इसकी आउटलाइन भी हमें ये वाली सिलेक्ट करके आउटलाइन हम कट कर देंगे इस तरह से, ये आउटलाइन नहीं है ये वाली है आउटलाइन, और इसको हम देखेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको करेंगे लाल ओके दबा दें, तो ये आउटलाइन हमारी होगी फिनिश, ठीक है। इस तरह हम 3D लेटर में कन्वर्ट करते हैं, और इसका ऊपर का फ्रंट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके इसको आपको सिलेक्ट करना होगा, फिर आपने जब अपने जाना और इसको कंट्रोल प्लस के ब्रेक कर देना, अभी आप इसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि वो ब्रेक हो चुका है, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं ये देखें, नीचे का पार्ट लग ऊपर का लग,
अभी आप देख रहे हैं इसमें कलर चेंज करके देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक हो गया जी। इस तरह से पहले जो कलर था हम वो भी रखेंगे और इसमें जी दबाएंगे और इस टूल का थोड़ा सा हम करेंगे इस्तेमाल इस तरह से, ठीक हो गया जी। और ये वाला दे देंगे यहाँ पर, हम डबल क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ से हम ये वाला शेडो भी देंगे इसकी खूबसूरती के लिए कुछ ऐसे, ठीक। और इसको हम इस तरह से पूरे काम कर लेंगे फुल बटा फुल, ठीक हो गया। और यहाँ से कलर में लगे चेंज कर देंगे अगर आपको कहीं हो जाए, हमको यही सही ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा। और इसी तरह ये नीचे का पार्ट है, इसमें भी हम कंट्रोल जी करके इस तरह से आप फिट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करना होगा और जी एफ में जाना, कंट्रोल नहीं बॉक्स कर देना राइट बटन और की कर देना ब्रेक। अभी ये नीचे का पार्ट भी ब्रेक हो गया, देखिए इसको आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट हो गया देख सकते हैं इस तरह से, इसको हम सिलेक्ट करके नीचे इसका कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक हो गया जी। आप देख सकते हैं इस तरह एक 3D इफेक्ट हमारा बनता हुआ आपको दिखेगा, जब हम इस तरह से इसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम सेम वही वाला फीचर इस पर अप्लाई कर दें इस तरह, इसको घुमा दें, ठीक हो गया जी। और कुछ और इस तरह पे कर देंगे और कुछ, और यहाँ से आप कलर चेंज करके भी इसको देख सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक जी। तो यहाँ से हम ये भी वाला भी कढ़ाई कर सकते हैं जो हम करना चाहें, इसको कढ़ाई कर सकते हैं। तो हमको यही करना था, हम इसको वापस करेंगे क्लास, ये देख सकते हैं आप, ठीक हो गया। और दूसरा हमको इसके अंदर इस तरह से आगे चांद को ले आना, चांद को कैसे लाएंगे, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना ये वाला टूल और इसको सेलेक्ट करना इस तरह से, डिलीट करें इसको, सेलेक्ट करें इसको, तो एक टूल तो ये वाली चीज यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी, करने के बाद माउस का दबाना राइट बटन और इसको शिफ्ट के साथ इसको, और इसके बाद यहाँ पे आप निकाल देना इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट करेंगे तो ये आपको एक तरफ चावल निकल के आ गया। यहाँ से हम एक टूल स्वाटल टूल ही यहाँ से हमें इसको दे दिए कलर, ठीक है जी। बाकी एरिया हम कर देंगे डिलीट, इसको भी हम कर देंगे डिलीट, इसको भी हम कर देंगे डिलीट, तो ये हमारे पास चांद रह गए। तो यहाँ से हम अपना चांद इस तरह से इसके ऊपर रख सकते हैं इस तरीके से, बड़ा कर गए, ठीक हो गया जी। इस तरीके से कलर हम ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक भी चले ये तरीका से, जी का बटन दबाया और इसके अंदर भी हम इस
तरह से कुछ इफेक्ट बना लेंगे इस टूट के जरिए। दिस इज ओके इस तरह से। तरीका है बनाने का इसके अंदर चौंध तो फिर और भी है तरीका। हम इसको स्टार्ट करेंगे पूरे में करने के बाद यहाँ से हम इसको करेंगे ग्रुप प्रोजेक्ट। तो ये हमारा हो गया ग्रुप, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पर रख के अब हम यहाँ से लेंगे फिर वही चीज़ ये सेलेक्ट किया करने के बाद इसको हम पकड़ के इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे कुछ यहाँ तक ठीक हो गया। यहाँ तक करने में माउस कर दबाएंगे राइट बटन तो यहाँ से हम लेंगे स्मार्ट व्हील के लिए और इसमें दे देंगे कलर। तो ये हमारा कलर आ गया, बाकी हम चीज़ें कर देंगे डिलीट, ये भी हमको डिलीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा चाहे हमारे इसको हम घुमा देंगे इस तरह से 45 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको हम इस तरह से पकड़ के बिल्कुल इसको फिट कर लेंगे ठीक हो गया जी। इस तरह से हम इसको बड़ा करेंगे यहाँ तक और थोड़ा सा यहाँ तक करेंगे और फिर यहाँ तक ठीक हो गया जी। इसी तरह हम इसको करेंगे जी ये चीज़ और सेम हम कलर इसका कर देंगे इसी तरह से जिस तरह से लेटर का है और जी का बटन दबा के अनट्रैक्टिव फोटो का इसमें इस्तेमाल कर लेंगे इस तरह से यहाँ से दबा दी इस तरह से यहाँ से